स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो ये पैनासोनिक कंपनी का टीवी है 32 इंच। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए हम पहले इसमें लाइन दे देते हैं, उसके बाद स्विच ऑन कर दिए। अब यहाँ पर इंडिकेटर देख रहे, स्टैंड बाई रिलीज हो गया। चलिए देखिए, यहाँ पर कोई भी पिक्चर तो जैसा नहीं बन रहा है, कोई भी पिक्चर पूरा ब्लैंक डिस्प्ले है, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में ये डॉट 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 जैसा ऊपर से दिख रहा है। ये देखिए, पर इसमें कोई भी पिक्चर नहीं बन रहा है। तो इसको हम ओपन करके पहले से रखे हुए थे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, तो इसमें पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर ये 12 वोल्ट FDD वोल्टेज है जो कि बूस्ट नहीं हो रहा पा रहा है। इसमें तो ये यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा ये पैनल है। इसमें CKV का लाइन जो दिया हुआ है इसमें कट करने के लिए, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस के द्वारा दिया गया है। तो इसमें रेजिस्टेंस ओपन करके भी हम देख सकते हैं, इसमें कट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 बाय 1 करके रेजिस्टेंस ओपन करके देख सकते हैं। तो इसमें मैंने रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस था, तो इसमें मैंने सबको ओपन करके देखा 1 बाय 1, पर इसमें कोई भी समाधान नहीं निकला। इसका सेम प्रॉब्लम था, बूस्ट वोल्टेज नहीं बन पा रहा था। तो इसको मैंने क्या किया कि पहले कफ को देखा पैनल को खोल करके, तो यहाँ पर कफ बर्न हो चुका था सामने। तो अभी आप लोगों को दिखलाते हैं, देखिएगा साइड में, लेफ्ट साइड से ज़रा गौर से देखिएगा तभी दिख पाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है दिखाने में। देखिए, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को, साइड में एकदम हल्का सा बर्न हो चुका है। तो चलिए हम इसको, वहाँ पर जो बर्न था उसको हम काट करके हटा दिए हैं, उतना कप को एकदम अच्छे से और अच्छे से थिनर से साफ़ कर दिए हैं। तो अब देखते हैं इसमें पिक्चर बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि एक तरफ का CKV अगर ब्लॉक भी हो जाए तो दूसरे तरफ के जो CKV रहता है वो चल जाता है उस पर। देखते हैं पिक्चर आया या नहीं आया लाइन दे करके। यहाँ से स्विच ऑन कर देते हैं। अब ये इंडिकेटर ग्रीन होने तक का वेट है, ग्रीन हो गया। देखिए, अब ये देखिए कितना अच्छा पिक्चर आ गया है, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो ऐसे प्रॉब्लम आता है कि कफ भी बर्न हो जाता है, तो हमेशा CKV, वैसे तो हम भी पहले वही करके देखे थे पर नहीं हो पाया। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा।